फिर थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। काफी सारे हैं, पर इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है कुछ माइक्रोब के नाम, और इनका कंट्रोल किस किसका कंट्रोल करने के लिए इनका यूज हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में लिखोगे पैथोजेन और राइट में होस्ट लिखोगे। आप जो भी चैट करोगे, चैट विद को-होस्ट, ठीक है। रॉट डिसीज का मतलब, रॉट होना मतलब क्या, सड़ना। तो रूट्स में रॉट डिसीज होता है, मतलब क्या, रूट्स के अंदर के सेल्स की डेथ शुरू हो जाती है और रॉट होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं रॉट डिसीज। तो अब आपको क्या करना है, बैक्टीरिया का नाम लिखना है, जैसे बैसिलस थुरिंजिनेसिस है, फिर उसका दूसरा स्पीसीज पैपिलिए है, तीसरा लेंटीमॉर्बस है, और इनका यूज हो रहा है किसको कंट्रोल करने के लिए, कैटरपिलर, कैबेज वर्म, बीटल। बीटल भी एक तरह का इंसान इंसेक्ट है। ओके, तो ये हो गया बैक्टीरिया, और किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैटरपिलर्स, कैबेज वर्म, एडल्ट बीटल को। फिर सेकंड फंगस है, उससे भी ये एफिड नाम के बग्स होते हैं, एफिड्स बग्स आप जानते हो, हमारे बेड बग भी आप जानते हो, बेड बग, बेड के अंदर जो बग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बेड बग्स, ठीक है। तो चारों दिए है, चारों के नाम दिए और सामने होस्ट दिया है। होस्ट का मतलब जिसका आप कंट्रोल करने वाले हो, उसको होस्ट कहेंगे यहाँ पे। यार पैथोजेंस, पैथोजेन मतलब जिसे बीमारी होती है उसको पैथोजेन बोलते हैं, बोलते हैं, और वो बीमारी जिसको करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। सो नोट डाउन दिस थिंग्स, सारे नाम लिखो, कहीं पे कुछ दिक्कत है तो पूछो। लिख कर हो जाए तो बता दो मुझे। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक से ही लिया है, टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें है, बट स्टिल आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एवरीवन कैन रिप्लाई वेदर इट इज डन और नॉट, यू कैन पोस्ट इन द चैट इफ यू हैव फिनिश दिस, लेट मी नो, सो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। ओके, 8 लोग 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अब तक, गुड, क्विकली क्विकली फटाफट अदर्स, थोड़ा लिखने का तो अच्छा रहता है, बुक में भी लिखने का, चैट में भी लिखने का, और को होस्ट को ही भेजना है, होस्ट को कुछ नहीं लिख के भेजना है, होस्ट और को होस्ट में थोड़ा फर्क देख लेना, सिलेक्ट को होस्ट एंड देन पोस्ट द चैट। ओके, 25 स्टूडेंट्स हैव रिस्पोंडेड टिल नाउ,
बाकी लोग भी रिस्पोंड कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। इनफैक्ट रिस्पोंड करेंगे तो जल्दी 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 थोड़ा सा क्रिकेट्स म्हणजे रात्रीचे किरकिर किरकिर करतात ना, त्यांना क्रिकेट्स म्हणतात। ओके ममता, आपने हैंड रेस किया है, कुछ क्वेश्चन है ममता? ममता शुड आई अनम्यूट यू? बोलो। ओके तो हैंड को कर लो नीचे फिर। ओके 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 गुड, थैंक यू। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सो ये थे कुछ पैथोजेंस जिनका यूज हम करेंगे किसके खिलाफ, होस्ट के खिलाफ। होस्ट अपने लिए दुश्मन है, अपना नुकसान करने वाला होस्ट है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसके खिलाफ कोई पैथोजेन यूज करेंगे। तो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोअन हो सकता है, या वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बायो हर्बिसाइड्स। अब हर्ब, हर्बिसाइड, ये वर्ड हर्ब से आया है। हर्ब माने प्लांट, घास जैसे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। तो हर्बिसाइड्स विल बी यूज्ड टू किल हर्ब्स। इनको ही आप वीडिसाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वीडिसाइड, क्योंकि हर्ब्स, हर्ब्स आर नथिंग बट वीड्स, एंड व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। फार्मर अपने फील्ड में जिन प्लांट्स को लगाता है वो उसका क्रॉप होता है, लेकिन उसके क्रॉप के साथ साथ दूसरे भी प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उसको कहते हैं वीड्स। और ये वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स। और ये क्या करते हैं? आपके मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं। आपने दिया फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स के लिए, किसने ले लिया? वीड्स ने ले लिया। आपने दिया वाटर, उन्होंने ले लिया। आपकी जगह उनकी वजह से कम हो गई, तो ये सारी चीजों से आपका नुकसान है, आपके क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। बराबर, तो ये अनवांटेड प्लांट्स को निकालना जरूरी है। प्लस ये अनवांटेड प्लांट्स और एक काम हमारे लिए करते हैं, इनके वजह से बीमारियां भी फैलती है। जैसे अभी एक प्लांट है क्रॉप और उसके बाजू में वीड है, तो वीड के ऊपर एक पैथोजन आएगा और आपके क्रॉप को भी नुकसान करेगा। सो दे एक्ट एज कोलैटरल होस्ट फॉर सेवरल पैथोजेंस, ये इसका मतलब है। कोलैटरल मतलब साथ में। तो इनको मारने के लिए हम माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? माइक्रोब्स, माइक्रो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या ये माइक्रो फंगस भी हो सकते हैं। और इनको मारने के लिए बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स अवेलेबल है जिनको हम यूज करते हैं एज अ हर्बिसाइड या एज अ वीडिसाइड। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो पहले तो वीड्स क्या है आपने देखा, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। सेकेंड, दे कॉम्पीट विद द मेन क्रॉप एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ होस्ट फॉर पैथोजन। तीन अलग अलग चीजें यहाँ पे वीड्स के बारे में है। और चौथा, इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोब्स यूज करेंगे, और इन माइक्रोब्स को हम कहेंगे हर्बिसाइड या वीडिसाइड। ये साधन स्मॉल ग्रास लाइक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। बिल्कुल सही बोला आपने। नाउ इसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसे मैंने बोला तो फंगाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और इनका यूज हम किसके खिलाफ करेंगे वो भी सामने लिखा है। तो पहले फंगाई, तो फंगाई के लिए वर्ड आता है माइको, इसलिए इनको नाम दिया हमने माइको हर्बिसाइड्स, मतलब फंगल हर्बिसाइड्स। तो तीन नाम है, पहला है फाइटोप्थोरा पाल्मियोरा, सेकेंड अल्टरनेरिया क्रासा, तीसरा फ्यूजेरियम। और इनका यूज हम करते हैं किसके खिलाफ? अलग अलग प्लांट्स के खिलाफ। जैसे मिल्क वीड नाम का प्लांट है जो ऑर्चिड ऑर्चर्ड प्लांट्स में आता है, ऑर्चर्ड्स में आता है, सॉरी ऑर्चर्ड प्लांट नहीं,
ऑर्चर्ड मतलब फ्रूट ग्रोइंग ट्रीज जहाँ पे उसको ऑर्चर्ड्स बोलते हैं। दूसरा वाटर हाइसिंथ आपने मालूम होगा, जलपर्णी आपने सबने प्लांट का नाम सुना होगा, बहुत तकलीफ देता है ये, सब जगह ग्रो होता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्यूजेरियम भी बहुत सारे अलग अलग वीड्स को कंट्रोल करने में काम आता है। तो पहले तीन नाम लिख लो और इनका यूज किसके खिलाफ होता है लिख लो। फाइटोथोरा कंट्रोल्स मिल्कवीड, अल्टरनेरिया कंट्रोल्स वाटर हाइसिंथ, एंड फ्यूजेरियम कंट्रोल्स वीड्स, मोस्ट ऑफ द वीड्स। फिर तीन बैक्टीरिया के नाम है, एक है सुडोमोनास, दूसरा है ज़ैंथोमोनास और तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम। एसपीपी का मतलब होता है स्पीसीज, जो बहुत सारी स्पीसीज होती है एक ही जीनस की, तो उसको बोलते हैं एसपीपी स्पीसीज। So this is also done, I suppose, right? अच्छा पहले का स्लाइड देखना है आपको, ये था पहले का स्लाइड। ओके, जिनका लिख कर हो गया डन भेज दे। हायसिंथ, वाटर हायसिंथ एक प्लांट का नाम है, पानी में ये बहुत फैलता है, बहुत तेजी से ग्रो होता है। ये एक्चुअली फॉरेन प्लांट है, अपनी इंडिया का नहीं है, बट जब इंडिया में आया तो इसका तकलीफ बहुत बढ़ गया है। सब जगह ये इतना ग्रो होता है कि सारी वाटर बॉडीज को खराब कर देता है। मैं बार बार इंस्ट्रक्शन एक दे रहा हूँ कि आपका जो भी चैट होगा डू इट विद को होस्ट ओनली, नॉट विद द होस्ट। तो दैट इज वाटर हायसिंथ। ओके द्रक्षा, ये जरा फटाफट रिप्लाई दोगे तो अच्छा रहेगा। ये स्लाइड का अगर काम हो गया ममता, तो अब ये स्लाइड सबके सामने था। जिसका भी बाकी होगा कुछ तो लिख लो फटाफट। ओके, थैंक यू आदर्श, थैंक यू काव्या, अक्षता, पूनम। गौरव, जानवी, मृणाली, श्रुति, ऋषभ, निहाल, ममता, कल्याणी, कुणाल, श्रुति, विद्या, खुशी, सिद्धि, आफरीन, नदीम, रूपाली, सानिया, कुमुदिनी, साक्षी। 35 रिप्लाई आए अब तक, 35 रिप्लाई आउट ऑफ 90 रिप्लाईज। बाकी लोग जागो, जवाब दो, डन लिखो। अंकिता, अंबर, स्वाति, तमन्ना, अस्मिता, विशाल, सरिता, सालेम, साहिल, दीपा, राज, नेहा, कीर्तिका, कशिश, देवांग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सुषा, थैंक यू। ये सालेम बोलो, हो गया आपका भी ऐसा आप बताना चाहते हो, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट पैथोजेंस एंड होस्ट।
और अब हम बात करेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरियल फंगाई बैक्टीरियल पैथोजेन और तीसरा कैटेगरी इंसेक्ट एज हर्बिसाइड्स। तीसरा कैटेगरी क्या है? इंसेक्ट्स एज हर्बिसाइड्स मतलब एक इंसेक्ट है बट वो किसको कंट्रोल कर रहा है? वीड को कंट्रोल करने का काम आ रहा है। जैसे टायरिया मॉथ नाम का इंसेक्ट है और सेनेशियो नाम का वीड है, ये इंसेक्ट उस वीड को खाएगा तो अपना काम हो जाएगा। फिर कैक्टस को कंट्रोल करना, कैक्टस तो आपको मालूम है एक्चुअली कैक्टस कहां पाए जाते हैं? डेजर्ट्स में, बराबर है कि नहीं? बट ये कैक्टस जब सब जगह फैलना शुरू हो जाए तो बहुत तकलीफ हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट का नाम देखो क्या लिखा है, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, यानी कैक्टस को कंट्रोल करने वाला या कैक्टस के ऊपर रहने वाला कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? पहले आपने देखा पैथोजेनिक फंगाई, फिर देखा बैक्टीरियल पैथोजेन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब, और इंसेक्ट्स एज हर्बिसाइड्स। ठीक है, ये दोनों नाम भी लिख लो। टायरिया नाम का एक मॉथ है, मॉथ आपको मालूम है जो रात के टाइम बटरफ्लाई जैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनको मॉथ कहते हैं। इनफैक्ट आप वैसे जिन्होंने इवोल्यूशन टॉपिक अटेंड किया था उनको मौत का नाम होगा याद होगा, इंडस्ट्रियल मैनेजर वाला मौत, बिस्टन बेटुलेरिया। ओके चलो डन, काफी लोगों ने डन लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। एसपीपी का मतलब स्पीसीज होता है, एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीसीज होंगी, टाइप्स होंगी, तो उसको एसपीपी लिखते हैं, सबका नाम अलग अलग नहीं लिखते थे। ओके अस्मिता, ओके थैंक यू। सो अब नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? बायो फर्टिलाइजर, पहले कुछ एक्सप्लेनेशन, बाद में स्लाइड पे देखेंगे क्या डिटेल्स और दिए हैं। तो बेसिकली फर्टिलाइजर, अब आप बोर्ड को जूम कर लो और शेयर स्क्रीन को छोटा कर दो, बोर्ड को लेके आओ सामने अपने, ठीक है, क्लिक करेंगे तो बोर्ड आ जाएगा सामने। तो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी का मतलब है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना सफिशिएंट क्वांटिटी में, ताकि जो प्लांट ग्रो होंगे वहां पे, जो क्रॉप ग्रो होंगे उनको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजर। तो नॉर्मली दो कैटेगरीज होती है फर्टिलाइजर की, एक केमिकल फर्टिलाइजर और दूसरा बायो फर्टिलाइजर। पहले हम बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर की। केमिकल फर्टिलाइजर जो है इनमें इजी टू यूज होते हैं, आपको बस दुकान पे जाना है, खरीदना है, लाके फील्ड में डाल देना है, पानी दे देना है, ये डिजोल्व हो जाएंगे पानी में, प्लांट्स इनको यूज करेंगे। ठीक है, मोस्टली इनमें तीन एलिमेंट ज्यादा करके होते हैं, एनपीके, तीन एलिमेंट्स आप समझते हो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स प्लांट को सबसे ज्यादा लगता है, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर से इनको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर से नुकसानी भी बहुत है। जैसे पहले पहली बार सारे फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर कॉस्टली। सेकेंड, बिकॉज सॉइल पोल्यूशन, इनसे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है, मतलब क्या? तो धीरे धीरे सॉइल बंजर बनना शुरू हो जाता है, बैरन होना शुरू होता है, सॉइल एसिडिक बनना शुरू होता है, और जब ये पानी से बह के नदी में, नाले में, तालाब में या समुद्र में जाएंगे
तो इनके वहां पहुंचने से वहां भी तकलीफें शुरू हो जाएगी। वो आप ईवीएस में पढ़ने वाले हो टॉपिक में कि केमिकल फर्टिलाइजर से और क्या होता है, ठीक है, तो कॉस्टली है और इनसे पोल्यूशन होता है, तो फिर इनको टालना ही बेहतर है। तो इनको टाले तो सॉइल के लिए फर्टिलाइजर फिर कहां से ऐड करें, तो उसके लिए अब हम किसकी मदद लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद लेंगे, माइक्रोब्स की मदद ले सकते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें जिनकी मदद होगी, और उसको हम कहेंगे बायो फर्टिलाइजर। इनको या आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कह सकते हो, दे आर व्हाट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट दे आर नॉन पोल्यूटिंग। ये कैसे है, नॉन पोल्यूटिंग है, और इसमें फिर बहुत सारे टाइप्स हैं जो आज हम एक एक करके देखने वाले हैं, सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले ये केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते कंप्लीट, तो स्लाइड आपके सामने रीड करते जाओ और उसमें से जो जो आपको लिखना है लिखते जाओ, डू इट एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। अब स्लाइड को आप जूम करके देख सकते हो, आदेश एवढे सगळे लिहून झाले बेटा, यार तू सुपरमैन आहे बेटा। चिट्टी रोबोट आठवला मला तुझे हे डन लिहिल्यानंतर। ओके ओके, मी पण असं मस्करी करतो बेटा, मलाही माहिती एवढ्या पटकन लिहून होणार नाही। नेहा बोर्ड वरच लिहून झालं असेल तर स्लाइडला बघा, स्लाइडला झूम करा आणि स्लाइड वरच लिहा। त्यात तुम्हाला चॉईस आहे काय लिहायचंय, नॉन ज्युडिशियस, नॉन ज्युडिशियसचा अर्थ इनडिस्क्रिमिनेट यूज, म्हणजे डायरेक्ट सगळ्यांवर सगळा यूज, डायरेक्ट विषय विचार न करता केलेल्या कामाला म्हणतात इनडिस्क्रिमिनेट किंवा नॉन ज्युडिशियस। ज्युडिशियस म्हणजे मोजून मापून हवं तेवढंच करणं। हा आयशा, बट टॉपिक अभी पूरा होगा उसके बाद आएगा आयशा, ये सब आएगा, पूरा 50-60-70 स्लाइड्स का पूरा टॉपिक है, अभी कुछ पार्ट एनिमल हस्बेंड्री वाला बाकी है इसमें। होपफुली दो लेक्चर आगे, एक दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। नीतू किस चीज का हिंदी में मतलब चाहिए आपको? अच्छा, नॉन ज्यूडिशियस मतलब बिना सोचे समझे किए हुए यूज को कहते हैं नॉन ज्यूडिशियस। हमने देखा ही नहीं कि प्लांट को जरूरत है कि नहीं है, सॉइल में जरूरत है कि नहीं, और हमने यूज कर लिया, बाजू वाले ने किया हमने भी यूज कर लिया, तो उसको बोले नॉन ज्यूडिशियस, उसी को कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज। ये सर्च बराबर है। ये कुमुदिनी करेक्ट। टीम यार्ड नियल, फार्म यार्ड मैन्यूअर, फार्म यार्ड का मतलब सिंपल है, आपका अगर फार्म है तो उस फार्म के ऊपर कचरा वगैरह जमा होता होगा, फिर वहां पे काउशेड होगा जहां पे गाय बैल वगैरह सब होंगे, उनका भी कचरा होगा, वो सारा आप एक खड्डे में डाल देते हो और उसको फिर कहते हैं फार्म यार्ड मैन्यूअर। मैन्यूअर मतलब फर्टिलाइजर। Thank you.
ओके अगर डन हो गए तो बता दो। सस्टेनेबिलिटी मतलब टिके रहना, सस्टेन करना मतलब टिकना। जैसे हम जो भी हमारे रिसोर्सेज यूज करते हैं तो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब आगे भी वो टिकना चाहिए, अगली पीढ़ी को भी वो सब मिलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। ऐसा नहीं कि मिल रहा है मैंने सब मेरे लिए यूज कर लिया बाकी अपना अपना देख ले वे, ऐसा नहीं। ओके तो बायो फर्टिलाइजर्स तीन टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगा है। उसमें से जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग। कैसे, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अगर लिखकर हो गया तो प्लीज लेट मी नो, थोड़ा फटाफट जवाब दोगे अच्छा रहेगा, अपना टाइम बचेगा और ज्यादा काम होगा। इनफैक्ट फर्टिलाइजर वाला पार्ट अपने को आज कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि कल के लेक्चर में हम एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करें और नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लें। ओके नेहा थैंक यू। ठीक है, बस इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उतना ही लिखो, पूरा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। ये निहाल कर लेना है, मतलब कैसे संदेश है बेटा। ओके पूर्वी थैंक यू खुशी। निहाल तू काय लिले कर लेना है। यस शबाना थैंक यू। ओके नेहा अच्छा असं येतोय, मला वाटतं वरचा फॅन चालू असेल म्हणून असेल, आता बंद झाला असेल बघ। चलो ठीक आहे। सो अब बात करते बायो फर्टिलायझर्स की। जैसे आपने पढ़ा तीन टाइप के बायो फर्टिलायझर्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगल फर्टिलाइजर। इनमें से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये क्या है,
नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. क्या करते हैं ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो एटमॉस्फेयर का N2 सॉइल में नाइट्राइट नाइट्रेट के फॉर्म में ऐड करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट, और फिर ये किसको अवेलेबल हो जाता है? प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है. अब ये नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस देखो क्या है. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है, बट इनर्ट है. और ये नाइट्रोजन हमें लगता है सबसे पहले किसके लिए है? प्रोटीन तैयार करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है, अमाइनो ग्रुप है. सेकेंड, हमारा डीएनए और आरएनए भी नाइट्रोजन बेसिस से ही बनता है. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा लगने वाला एलिमेंट है, अदर देन कार्बन. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन. मतलब हमें नाइट्रोजन की जरूरत बहुत है, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की जरूरत बहुत है. और ये नाइट्रोजन सॉइल से ही मिलता है प्लांट्स को, क्योंकि हवा का नाइट्रोजन तो इनर्ट है. तो सॉइल में इस नाइट्रोजन को लाने का जिम्मेदारी उठाते ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, तो ये हमारे बहुत काम के हैं. और इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग. क्या नाम देते हैं हम इनको? नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन. और फिर तीसरा कैटेगरी क्या है? फंगल फर्टिलाइजर. अब इनमें हर एक में दो टाइप्स आप देखोगे. बैक्टीरिया में दो टाइप्स होंगे. एक जिसको कहेंगे सिम्बायोटिक और दूसरा जिसको कहेंगे फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक का मतलब आपने पढ़ा है पहले भी, लाइकेंस लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, अल्गी और फंगाई का एसोसिएशन जहां दोनों का बेनिफिट होता है उसको क्या कहते हैं हम? सिम्बायोटिक. तो बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब वो प्लांट के साथ जुड़े रहेंगे और फिक्सेशन करेंगे. और कुछ होते हैं फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मतलब सॉइल में ऐसे ही रहेंगे बट हमारा काम करेंगे. जैसे इधर मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, राइजोबियम. सिम्बायोटिक में नाम किसका आता है? राइजोबियम का. ये किसके साथ रहता है? लेग्यूम प्लांट के रूट के साथ. लेग्यूम मतलब जितने भी दाल खाते हैं हम घर में अलग अलग टाइप की, वो सारी दाल इस फैमिली के मेंबर्स है, लेग्यूम फैमिली के. ये भी आपने लास्ट ईयर मॉर्फोलॉजी टॉपिक में पढ़ा था. और इधर जो बैक्टीरिया है उसमें से एक का नाम है एजोटोबैक्टर. ये दोनों राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, बट ये तभी करेंगे जब ये रूट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे. और इनका एसोसिएशन कैसा है? एक दूसरे को फायदा करने वाला है, सिम्बायोटिक है. इनको किसी के साथ जुड़ना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली सॉइल में रहेंगे और क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे. तो ये हो गया बैक्टीरिया. ऐसे ही इनका डिस्क्रिप्शन भी आएगा आगे, बट मैं अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको. दूसरे है साइनोबैक्टीरिया. एक समय इन साइनोबैक्टीरिया का नाम अलग था, तब इनको बोलते थे BGA, ब्लू ग्रीन अलगी. क्या कहते थे इनको? ब्लू ग्रीन अलगी. लेकिन अब इनका नया नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया. पहले इनको अलगी मानते थे, अब इनको बैक्टीरिया मानते हैं. पहले यूकैरियोट मानते थे, अब प्रोकैरियोट मानते हैं. इनमें भी आपको ऐसे ही दो टाइप्स दिखेंगे, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक में जो है उसका नाम है एनाबेना. सिम्बायोटिक वाले का नाम क्या है? एनाबेना. जबकि फ्री लिविंग वाले का नाम है नॉस्टॉक. फिर और ऑसिलेटोरिया नाम का एग्जांपल आएगा आपको. तो ये एनाबेना जो है ये भी प्लांट के रूट्स के साथ रहता है या कुछ प्लांट के लीव्स के अंदर ही रहता है, और वहां ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करता है. ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल होगा मेरा, ऐसा मुझे भी मैसेज आ रहा है.
अब द्राक्षा स्क्रीन क्लियर, स्क्रीन क्लियर है क्या? अब पूनम का अड़चन नहीं का अड़चन है कहीं? अच्छा ओके, थोड़ा सा ब्लर है। ओके उषा, ओके सियान, इट इज परफेक्ट। ठीक है चलो, हो सकता है मेरे यहाँ या फिर आपके यहाँ, दोनों में से एक जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है। अभी क्लियर है, मेरी तरफ से क्लियर है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। ठीक है तो आदर्श आपका क्वेश्चन जरा पूछो वापस एक बार। रिवोल्यूशन है, आप इवोल्यूशन कहना चाहते हो बराबर ना, क्या है एग्जैक्टली? ओके ममता, थैंक यू। ठीक है पूनम, थैंक यू, तुमचं नेटवर्क स्ट्रॉंग आहे। ओके थैंक यू, मला वाचून आनंद झाला। सो आदेश नंतर बोलूया आपण या विषयावरती, आता डेविएशन होईल थोडस। ठीक है तो ये दोनों मैंने लिखे हैं बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया के बारे में। अब थोड़ा डिटेल में इनके बारे में स्लाइड्स देखते हैं, क्या बताते हैं स्लाइड्स में लिखते हैं। जैसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स, इनको कहते हैं डाई एजोट्रॉप। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले को कहते हैं डाई एजोट्रॉप। इनमें दो टाइप्स है, एक सिम्बायोटिक है और एक नॉन सिम्बायोटिक है। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है फ्री लिविंग को क्या कहते हैं, नॉन सिम्बायोटिक। और मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वही वहां दिख रहे हैं, इधर की भी दोनों एग्जाम्पल आपको वहां दिख रहे हैं स्लाइड पे बराबर। और एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल्स है उतने बस नोट डाउन कर लो, बाकी कुछ नहीं लिखोगे चलेगा। ओके अंशिका मिस भी आ गए हैं, सो आई शुड वाइंड अप नाउ। तुषारचा कोणाकडे कॉन्टॅक्ट असेल, तुषार लाडचा, तर त्याला कळवा बाबा ऑडिओ जॉईन कर। डाय एजोट्रॉप का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डाय एजोट्रॉप्स। आदर्श साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ही है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक है। आपको देखो याद होगा फर्स्ट टॉपिक में आपने एक ऐसा इवोल्यूशन का ट्री पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है ना? ओके चलो अपना काम यहीं पे रुकते हैं, मुझे दो चीजें आपको सबको बतानी है, एक छोटा सा वीडियो शेयर करना है मिस का लेक्चर शुरू होने से पहले, और उसके भी पहले जो परसों टेस्ट अरेंज किया था वेनसडे को, उस टेस्ट को सिर्फ 38 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। क्यों ऐसा मुझे अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, व्हाई दिस हैपेंड, सो आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, गुस्सा करूं तो भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जो कि मुझे नहीं करना है। बाकी आप समझदार हो, आपको खुद को देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ओके हियर इट इज, आपका नाम देख लो। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए हैं, आंसर सही आया है। नीलू ठाकुर, श्रीजय राणे, ये सालेम, नेहा इंग्रे, श्रुति, गायत्री, त्यानंतर दिव्येश, अश्विनी, ऋषभ, विद्या,
सानिका शेजल सागर दिसत आहे सर तुम्हाला का थोडं एकदा मोठं करू मी जरा मोठं करता येईल जरा ओके सागर दिया अपूर्वा आदेश चिराग कुमुदिनी मीमांशा श्रुती जानवी ये अभी फ्रैंक क्वीन कौन है मालूम नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नाम लिखोगे कैसे पता चलेगा साक्षी सानिया मनस्वी ममता कशिश साइली नकुल आयुष अंकिता निहल जयश्री मातन कुणाल सुरेश आज सुरेश आए लेक्चर के लिए चिराग ऐसा कैसे एक भी आंसर राइट नहीं है ऐसा कैसा हो सकता है गौरव कुछ तो गड़बड़ किया होगा आपने तो फिर भी रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री तो बिल्कुल नहीं है और सेकेंडली से 38 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अटेंड किया ये बात भी हजम नहीं हुई पता नहीं क्या है आपको ही सोचना है इसके बारे में वी वोंट टेल एनीथिंग टू यू ठीक है यू शुड अंडरस्टैंड